सीडीएस विपिन रावत का पार्थिव शरीर ले जा रहे वाहन पर लोगों ने फेंके फूल, लगाए भारत माता की जय के नारे। 378 दिनों के बाद फिलहाल स्थगित हुआ किसान आंदोलन, 11 दिसंबर को होगी घर वापसी। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में लैपटॉप फटने से विस्फोट, कामकाज निलंबित, जांच में जुटी पुलिस। मनी लॉन्ड्रिंग केस लगातार दूसरे दिन ईडी के समक्ष पेश हुई एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस। कोरोना से बीते 24 घंटे में देश में 9,419 नए केस आए सामने, 159 मरीजों की हुई मौत। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। विश्व हिंदू परिषद गौर रक्षा विभाग की तरफ से सीडीएस विपिन रावत को याद करते हुए बॉर्डर सीमा छिवली नदी पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस समेत 13 लोगों की मौत हुई है। इसी बीच फतेहपुर के विश्व हिंदू परिषद गौ रक्षा विभाग की तरफ से विपिन रावत को प्रमुख संयोजक और कार्यकर्ताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। गौरक्षा के संयोजक ने कहा कि सीडीएस को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर कानपुर के भी जिला संयोजक मौके पर मौजूद रहे और श्रद्धांजलि सभा में आए सभी लोगों ने सीडीएस को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। चंदौली जिले में धान की खरीद की व्यवस्था एकदम बेपटरी हो चुकी है। नवीन मंडी में नेफेड और यूपीएस के क्रय केंद्रों पर 24 घंटे से ताला लगा है। कई किसान यहां अपनी उपज लेकर प्रभारियों के आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रभारी किसानों का सुध लेने नहीं पहुंचा। इससे किसानों में निराशा देखने को मिली। लोगों ने सीधे तौर पर इसके लिए जिला प्रशासन और खरीद के नोडल बनाए गए अपर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा को दोषी ठहराया। किसानों का कहना है कि अधिकारी बिचौलियों से मिली भगत करके खरीद को कागजों पर दर्शा रहे हैं, जबकि लोगों का कहना है कि धरातल पर सच्चाई कुछ और है। मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह है, मेरा 8 तारीख का टोकन है और मैं यहाँ धान गिरा चुका हूँ। आज मेरी तौल होने वाली थी, आज मैं आया सुबह से यहाँ पे बैठा हूँ और यहाँ कोई नहीं है। सब लोग सेंटर बंद करके लापता है और बता रहे हैं लोग यहाँ पे कि हिला हवाली हुआ है कल का, और इसकी वजह से दो सेंटर बंद है, दोनों प्रभारी गायब हैं। कौन से सेंटर बंद है? नेफेड है और यूपीएसएस है। नवीन मंडी में 7 तारीख 6 और 7 में मैंने धान गिराया है, आधा तौल हुई है, आधा उसी तरह से फंसा हुआ है अभी। कौन से क्रय केंद्र पर धान बेचने आए थे? मेरा धान यूपीएसएस पर गिरा हुआ है, उसके केंद्र प्रभारी संजय कुमार थे। आज क्यों तौल नहीं हो रही? कल कुछ हिला हवाली वो लोग किए और आज के डेट में वो लोग अपना सेंटर बंद करके गायब है, लापता है। और सारा किया धारा ये अनूप श्रीवास्तव का है। अनूप श्रीवास्तव कौन? ये आरएमओ या डिप्टी आरएमओ जो भी कहलाते हैं, आरएमओ है शायद। और ये कमीशन ले धान बिचवा रहे हैं और नहीं जब पकड़ाने पर सेंटर बंद करवा दे रहे हैं। जो भी समस्या जानकारी में आ रही है हम लोग उसका निदान करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ सुचारू रूप से अच्छी खरीद हो रही है और अभी पूरी आवक भी नहीं हो रही है मंडी में। जितने कांटे हमारे हैं तो किसानों की आवक बढ़ेगी तो और अच्छी खरीद। सर, किसानों का कहना है कि यहाँ पे टोकन नहीं मिल रहा है, क्या है? नहीं, टोकन का सिस्टम बहुत ही पारदर्शी रखा गया है। हर केंद्र को 100-100 नंबर अलाट कर दिए गए, 100-100 किसानों की सूची, उसके अनुसार उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अब तक 1300 किसानों को इंटरटेन किया गया कि उनको नंबर लग चुके हैं। 500 और किसान बचे हुए हैं, वो अगले 8 दिन में नंबर उनके दे दिए जाएंगे। उसके बाद जो मंडी पे इकट्ठा हुआ है अब एक ही जगह एक काउंटर पे सारा किसानों का पंजीकरण प्रपत्र जमा कराया जा रहा है और वहीं से सारे क्रय केंद्रों को बराबर संख्या में किसानों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। उसके अनुसार वो जाके उस केंद्र पर अपना धान का विक्रय कर। फरीदाबाद में लगातार स्टेट क्राइम की टीम बाल श्रम को लेकर सख्त नजर आ रही है। लगातार स्टेट क्राइम की टीम जगह जगह से बाल मजदूरी कर रहे बच्चों का रेस्क्यू कर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर रही है। इसी कड़ी में स्टेट क्राइम की टीम ने नगर इलाके के अलग अलग जगह से 5 बच्चे बाल मजदूरी करते हुए रेस्क्यू किए गए। वहीं जानकारी देते हुए स्टेट क्राइम के हेड कांस्टेबल ने बताया कि लगातार जिले में बाल मजदूरी कर रहे बच्चों को लेकर स्टेट क्राइम की टीम सतर्क है और समय समय पर बाल मजदूरी को लेकर अभियान
अभियान चला रही है और आगे भी इसी तरह के अभियान जारी रहेंगे और मासूम बच्चों को बचाया जाएगा। मेरा नाम हेड कांस्टेबल उमदत है और स्टेट क्राइम ब्रांच में एस टू स्टाफ में मैं अभी तैनात हूँ। उमदत जी, नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू क्या है, क्या था पूरा मामला, कितने बच्चे रेस्क्यू किए? जो चाइल्ड लेबर करते हुए जो बच्चे रेस्क्यू किए हैं वो 6 बच्चे आज हमने रेस्क्यू किए हैं जी। जो एक बच्चे का दुकानदार जो दुकान मालिक थे वो आईडी नहीं दिखा पाए थे उसके, के बोला कि इसका अभी आईडी हमारे पास है नहीं। वो बच्चा 18 साल का पूरा है, आईडी दिखा दिया उन्होंने जी। तो 5 बच्चे लेकिन चाइल्ड लेबर में हैं जो 18 साल से कम है। अमृत जी बता दें, स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम कार्रवाई कर रही है पर कहीं ना कहीं बच्चे अब भी नाबालिग काफ़ी दुकानों पर मिलते हैं, क्या सरकार के आदेशानुसार जो निर्देश हैं, हम फरीदाबाद जिले में काम पूरी तरह मेहनत कर रहे हैं और रेस्क्यू भी करते हैं जगह जगह। बिजनौर में ग्राम प्रधान पति के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि गांव पहुंचने में ग्राम प्रधान पति ग्राम पंचायत का निर्माण करा रहे थे और इस मामले को लेकर गांव के ही एक व्यक्ति ने उनके साथ मारपीट की। अब इस मामले में आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। यूपी का बुंदेलखंड क्षेत्र जो हमेशा से पिछड़े क्षेत्रों में गिना जाता है, अनेकों प्रयासों के बाद भी आज भी पिछड़ा है। ये जरूर है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण से शायद आगे के विकास के रास्ते खुल जा सके, लेकिन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के एक वरदान साबित हो सकता है। यहाँ कयास लगाया जा रहा है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बनने से कृषि के साथ साथ औद्योगिक कारण का विकास की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे इस एक्सप्रेसवे में आने वाले जिलों के लोगों को रोजगार का साधन हो सकता है। जानकारी के अनुसार अभी तक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लगभग 8% से ज्यादा कार्य पूरा हो चुका है, सड़कें भी बनकर तैयार हो चुकी हैं। इस एक्सप्रेसवे में शेष निर्माण आने वाले केन, यमुना और वेतवा नदी पर पुलों के निर्माण और फ्लाईओवर का काम तेजी से चल रहा है। यूपीडा के सीईओ अवनीश अवस्थी ने निरीक्षण कर बताया कि समय में एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए निर्देश दिए गए हैं। इससे यही फायदे होने वाले हैं कि जो आगे चल के हमारे भविष्य में काम आएंगे, मान लो अभी हमारे लिए नहीं आएंगे लेकिन आगे चल के आगे की जो पीढ़ी आने वाली है उनके लिए कुछ ना कुछ फायदे तो होंगे ही। मुख्यमंत्री जी ने 31 दिसंबर को इसको चालू करने का कहा वो है और जिस तरीके इसमें कार्य प्रगति पे, आपको कैसा लग रहा है? हमें तो बढ़िया लग रहा है, इसलिए कि आगे जो भी कारनामे होंगे तो अच्छे होंगे। मान लो अपना यहाँ कोई भी विकास है, मान लो यहाँ अभी हमें और कहीं कानपुर जाना पड़ता है, लखनऊ जाना पड़ता है, वही हमारे जो है तो यहाँ से काम होने लगेंगे। नहीं, हम लोग तो अभी भी इसी में लगे हैं, इसी 6 लाइन में काम कर रहे हैं। अच्छा, आपको रोजगार मिला हुआ है जी? आपको एक्सप्रेसवे बनने के बाद और किस तरीके के बड़े फायदे होने वाले? बहुत सारे फायदे होंगे, आने जाने की सारी सुविधा होगी, बहुत सारे व्यवसाय चलेंगे, अपने यहाँ कुछ भी फैक्ट्रियाँ लग सकती हैं, सरकार द्वारा कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी सुविधाएं हो सकती। मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है 31 दिसंबर तक ये एक्सप्रेसवे चालू हो जाएगा, आप इसमें काम कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, कब तक चालू हो जाएगा? नहीं, हो जाएगा सर, चालू हो जाएगा, जोर तोर से चालू है, इसके लिए हमको भी समझ में आता है कि जल्दी ही काम पूरा हो। बुंदेलखंड के किसानों को इससे एक्सप्रेसवे बनने से कितना लाभ है? अरे उनको भी सर बहुत सारा लाभ है, ऐसा थोड़ी है कि किसानों को लाभ नहीं है सर, सारी जनता को लाभ है, मतलब सबको फायदा होना। हाँ, सबको फायदा होने वाला है, किसी एक को थोड़ी फायदा होना है, इससे सबको फायदा। क्या बांदा का आप विकास? सीडीएस रावत के निधन के बाद पूरे देश में शोक का माहौल है। देश के दिग्गज लोगों ने ट्वीट के जरिए हादसे पर दुख जताया। इसी कड़ी में मैनपुरी के ब्लॉक सुल्तानगंज पर स्थित प्राथमिक विद्यालय रजवाना में बच्चों ने श्रद्धांजलि अर्पित की और सीडीएस के निधन पर 2 मिनट का मौन रखा गया। सभी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। मैं मोहम्मद इशरत अली, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय रजवाना सुल्तानगंज मैनपुरी। आज हमारे देश के लिए बहुत ही दुख भरा दिन है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि हमने आज अपने प्रथम जनरल श्री बिपिन रावत जी को एक दुर्घटना में खो दिया है। आपके साथ जितनी भी दिवंगत आत्माएं हैं उन सब के लिए हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस देश के लिए एक बहुत बड़ी घटना इसलिए भी है कि बिपिन रावत जी आर्मी से बिलोंग करते थे और इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है कि आपके परिवार ने देश सेवा के लिए हमेशा से समर्पण रहे हैं। आपके पिताजी भी आर्मी में थे,
आपने अपने जीवन के बहुमूल्य 40 से 50 वर्ष देश सेवा के लिए दिए, आर्मी के लिए दिए। हम अपने जनरल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसी दुर्घटनाएं जीवन में दोबारा ना हों। ये बहुत ही कष्टदायी है कि हमने अपने जनरल श्री बिपिन रावत जी को। सिद्धार्थनगर में सीमा पर यूरिया और डीएपी खाद की तस्करी बढ़ गई है। पिछले पखवाड़े के बीच तस्करी तेजी से हो रही है। इस दौरान 250 से अधिक क्विंटल खाद सीमा पार ले जाने की कोशिश करते समय एसएसबी और सीमावर्ती थानों की पुलिस की तरफ से पकड़ी जा चुकी है। अगर इसी प्रकार से खाद की तस्करी हुई तो किसानों को खाद के संकट से जूझना पड़ेगा। भारत नेपाल की 68 किलोमीटर सीमा पूरी तरह से खुली है। यहाँ बिना रोक टोक के लोग इस पार से उस पार आते जाते हैं। इस सुविधा का दुरुपयोग तस्कर करते चले आ रहे हैं। ये भारत और नेपाल में डिमांड और वस्तु की कमी के हिसाब से तस्करी करते हैं। मौजूदा समय में सीमा पर यूरिया और डीएपी खाद की तस्करी गई है। ये देखिए, आप पहले भी कई बार शिकायत आती है और हम लोगों ने रैंडमली भी पिछले साल भी और इस साल भी अपने ही लोगों को एक तरीके के डिकॉय बना के वहां पे जांच करवाई थी और जहां जहां शिकायतें आई हैं, पिछली बार भी हमने 4 मतलब सचिवों के खिलाफ एफआईआर करवाई थी और इस बार भी अगर इस टाइप से कुछ भी संज्ञान में आएगा और कोई व्यक्ति बार बार निर्देश देने के बाद भी नहीं मान रहा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई। सिद्धार्थनगर जिले के गौलहोरा थाना क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक रमवापुर कली में उपभोक्ता के साथ बदसलूकी और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के साथ पीड़ित इस मामले में न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पीड़ित ने जानकारी देते हुए बताया कि वो बैंक में पैसा जमा करने गया था, तब पैन कार्ड और बाकी के दस्तावेज देखकर कैशियर भड़क गया और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा। पीड़ित ने जब विरोध किया तो उसे बैंक से बाहर निकाल दिया गया। वहीं मारपीट के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने पीड़ित की मदद करते हुए उसे बचाया। रायबरेली में चक अहमदपुर पूर्व माध्यमिक विद्यालय में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें शहरी क्षेत्र के सभी सभासदों को आमंत्रित किया गया था। इसी को लेकर कहा जा रहा है कि सरकार से प्राथमिक और जूनियर स्कूलों के बच्चों को मिलने वाली योजनाओं के बारे में अभिभावकों तक जानकारी पहुंचाई जा सके, इसके साथ साथ मतदाताओं के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया गया, जिसमें विशेष बच्चों ने बैनर और संदेश के माध्यम से मतदान करने का संदेश भी दिया। वहीं अन्य बच्चों ने भी विभिन्न नाटक और डांस पेश करने के साथ ही सभी का मन मोह लिया। इसी के साथ खंड शिक्षा अधिकारी शहरी क्षेत्र प्रियंका सिंह ने आए हुए मेहमान का स्वागत करते हुए कहा कि आज हुई गोष्ठी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य था कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को जानकारी दी जा सके। पूरे नगर क्षेत्र की एसएमसी की एक संगोष्ठी का आयोजन आज यहाँ पर किया गया। इसका मूल उद्देश्य है कि विद्यालय के माध्यम से यहाँ के क्षेत्रीय नागरिकों के जो बच्चे पढ़ते हैं उनको सरकार की क्या योजनाएं किस रूप में मिलती हैं उससे अवगत कराया जाए, पठन पाठन के संबंध में अवेयरनेस के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए, उनका सहयोग इससे बीच बीच में मिलता रहे, बच्चे यहाँ पर आते रहें और शिक्षा का जो उद्देश्य है सभी शिक्षित हों वह सफल हो सके। हरदोई में संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ का शव पेड़ से लटका मिला। शव को देखने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस ने जांच के आदेश दे दिए हैं। सीतापुर के थाना हरगांव क्षेत्र के लखीमपुर राजमार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग के पास हादसा हो गया। तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर तालाब में पलट गई। हालांकि जानकारी मिली कि घटना में हताहत नहीं हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अनियंत्रित होकर तालाब में पलटी गाड़ी में क्षेत्राधिकारी निघासन भी थे और घटना में वो बाल बाल बच गए। मंचलों की छेड़खानी से तंग आकर एक छात्रा काफी परेशान है। पीड़ित छात्रा ने बताया कि उसने पढ़ाई छोड़ दी है और काफी लंबे समय से लगातार मंचला उसे परेशान कर रहा था। पीड़ित ने मंचले के खिलाफ शिकायत करते हुए पुलिस को सूचना दी, लेकिन सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिकायत के बावजूद पीड़िता को न्याय नहीं मिला। पीड़िता अब न्याय के लिए दर बदर भटक रही है।
मेरे को एक लड़का परेशान करता है और इतना परेशान करता है कि मुझे उसने पढ़ाई से भी घर पे बैठा दिया है। इस शिकायत को लेके आई हूँ, लेकिन आज तक है ना, मुझे काफ़ी दिन हो गया, मैंने हर जगह पुलिस थाने हर जगह पे मैंने अपनी एप्लीकेशन दी है, लेकिन आज तक कोई भी सुनवाई नहीं की गई है। मेरे को एक लड़का परेशान कर। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में अब महज कुछ महीनों का ही वक्त बचा है और सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव की तैयारियों में पूरा जोर भर दिया है। ऐसे में चुनावों की तैयारियों में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने पहले महिलाओं के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। अपने घोषणा पत्र में प्रियंका गांधी ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 40% आरक्षण देने की बात कही है और उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में 40% महिलाओं को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारने की बात पर मुहर लगाई। कांग्रेस ने आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में 40% सीटों पर महिलाओं को खड़े करने का वादा भी किया है। बस में फ्री यात्रा से लेकर 10 लाख रुपए मुफ्त इलाज तक कांग्रेस के इस महिला घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए कई दावे और वादे किए गए हैं। है कि तमाम महिला मौजूद हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि महिला मैनिफेस्टो कहां तक कारगर साबित होगा। बहुत होगा भैया, हम लोग आज बहुत खुश हैं, भांगड़ा वाले को बुलाए हैं, हम लोग यहीं आज कितने खुश हो रहे हैं कि यदि हमारे बच्चे पति सिर्फ जमीन कहेंगे कि अपने नाम लिखवा लो कि 2% बचत हो, पर पलड़ा पे रखिए कि बराबर हक दीजिए, तो उन्हीं की दुख दुखी बड़ी बढ़ जाती कि तुम बराबर कैसे हो, मेरी दीदी ने वो कर दिखाया। नाम बता दें। मैं डॉक्टर प्रियंका मौर्य 170 सरोजनी नगर विधानसभा से तैयारी कर रही हूँ। आपकी प्रमुख मांगे क्या हैं, मतलब आगामी चुनाव में मांगे? महिलाएं जिस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, एक FIR तक नहीं दर्ज होती है, महिलाओं की बात नहीं कहीं सुनी जाती है, इन मुद्दों पे कोई नहीं सोचता। हमारी भागीदारी 50% की है, लेकिन हमें किस तरीके का दर्जा मिलता है? आज के कार्यक्रम का क्या रूपरेखा है? देखिए, आज जो है वो महिला के लिए जिस तरीके से प्रियंका जी लगातार आवाज़ उठाती हैं और उन्होंने स्लोगन दिया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसी तर्ज पे आगे बढ़ते हुए आज वो एक महिलाओं का मैनिफेस्टो जो है वो लेकर आ रही हैं। मेरा नाम राशिदा है और मैं कुर्सी विधानसभा 266 तैयारी कर रही हूँ। मैं अभी एक भैया ने पूछा कि एक्सपीरियंस क्या है, मैं आपसे बता दूँ स्वाति सिंह को क्या एक्सपीरियंस है, तुलसी मतलब वो स्मृति ईरानी क्या एक्सपीरियंस है, जो आज वो शिक्षा मंत्री बन गई थी, इंटर पास भी नहीं थी, और इस समय हमसे पूछते हैं तो हमारे पास एक्सपीरियंस ये है कि हम लोग जन्म से जन्मजात से कांग्रेसी हैं और हम सारी महिलाओं को एक्सपीरियंस है तभी हम लोग इस फील्ड में हैं और इंशाल्लाह हम लोग को टिकट मिलता है, हम लोग पूरी पूरी सीट निकाल के लेके आएंगे। मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य की तमाम महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं में से एक काशी कॉरिडोर का शुभारंभ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिन के यूपी दौरे पर रहेंगे। 13 दिसंबर को काशी कॉरिडोर का शुभारंभ होगा। इस दौरान देश के कोने कोने से साधु संत और बीजेपी शासित प्रदेशों के तमाम मुख्यमंत्री और केंद्र और राज्य के तमाम मंत्री भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के काशी दौरे को लेकर यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने जानकारी दी और कहा कि 12 दिसंबर काशी के हर वार्ड में मंदिर और धार्मिक स्थलों पर स्वच्छ भारत अभियान का कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। 12 दिसंबर 2021 को लोकार्पण हो रहा है, यह हम सभी के लिए अत्यंत प्रसन्नता एवं गौरव का विषय है। देश भर से धर्माचार्य, साधु संत, प्रबुद्ध जन, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, श्रद्धालुगण प्रत्यक्ष रूप से काशी में इस भव्य कार्यक्रम में भाग लेंगे। यह कार्यक्रम भारतीय संस्कृति के अनोखे तादात्म्य, सामाजिक समरसता, अखंडता और एकता का प्रतीक होगा। भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी काशी नगरी के पुनरुद्धार के लिए राजर्षि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया था, वह काशी विश्वनाथ धाम के रूप में 13 दिसंबर 2021 को मूर्त रूप लेने वाला है। इस कालजयी कार्यक्रम को ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी
पार्टी स्तर पर कई कार्यक्रमों की रचना की। ये कार्यक्रम एक महीने तक पूरे प्रदेश में और देश में आयोजित किए गए, जो 13 दिसंबर 2021 से शुरू होकर मकर संक्रांति अर्थात 14 जनवरी 2022 तक चलेगा। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।